इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 11, जिसका शीर्षक है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी। मारिया नेजियेशी। ये एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता यानी मिलने पर की जाने वाली बातचीत, जब दो लोग आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो वह उनकी वह भेंट वार्ता कहलाती है। तो हमारी आज की भेंट वार्ता इंडिया और हंगरी के दो लोगों के बीच की है, जो यहाँ दिल्ली में बैठकर वार्ता कर रहे हैं। ये देखो, ये रहा हंगरी और ये इंडिया। ये वार्ता मारिया नेजेसी और जयप्रकाश पांडे के बीच की है। तो बच्चों, देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातचीत करी है। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेसी। ये देखो, ये है मारिया नेजेसी। वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की, सर्द जाड़ों से अर्थ है शीत ऋतु, यानी सर्दियों का समय था। तो की कोई आम सुबह ही थी, आम सुबह यानी एक साधारण सी सुबह ही थी सर्दियों के समय की, जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अहलूवालिया का फोन आया। तो ये हरलीन अहलूवालिया कौन थी? हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी थी। ये केंद्र कहाँ है? दिल्ली में जनपथ पर। अभी बच्चों, दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम भी बदला गया है। तो क्या आपको पता है राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो ऐसे ही दिल्ली में जनपथ है, जहां पर हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र है। हरलीन, मुझे हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी। तो हरलीन ने क्यों बुलाया, किसको बुला रही है हरलीन? जयप्रकाश पांडे को। किस लिए बुलाया? कि एक हंगरी की अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से वो मिलवाना चाहती है, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी, बल्कि अपने राष्ट्रपति अबुल पकीर जेनुला अब्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। तो मारिया नेजेसी को अपने जीवन में पहचान किसकी वजह से मिली? हिंदी की वजह से। हिंदी में उन्होंने क्या क्या काम किए, ये हम आगे जानेंगे। वह विदुषी, विदुषी का अर्थ है विद्वान स्त्री, तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी। चंद दिन यानी कुछ थोड़े से दिनों के लिए ही वह भारत में आई थी, और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। लिहाजा यानी इसलिए सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी, लेकिन थी तो अंग्रेज, लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार करते वक्त, फहरिस्त का अर्थ होता है सूची, यानी उनसे जो सवाल मैं पूछने वाला था उनकी सूची जब मैं तैयार कर रहा था, लिस्ट बना रहा था, तो उस वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी जरूरत आ पड़े। संवाद यानी वार्तालाप या बातचीत के लिए क्या पता कुछ अंग्रेजी के शब्दों का या अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए उन्होंने साथ में अंग्रेजी के भी सवाल तैयार किए। आश्चर्य, अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा, तो हरलीन अपने कार्यालय काम में व्यस्त थी। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियां ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। भद्र का अर्थ होता है सभ्य और सुशिक्षित। तो वह आने वाली महिला कौन थी? मारिया नेजेसी। उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की। अभिवादन श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला नमस्कार। तो उन्होंने उसकी शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते बोलकर करी। फिर क्षमा याचना की।
क्षमा याचना का अर्थ है माफी मांगना। तो फिर उन्होंने माफी मांगी कि किस बात के लिए, कि दिल्ली के व्यस्त यानी बिजी यातायात के चलते, ट्रैफिक के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकी। हरलीन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो गए, मशगूल का अर्थ है कि इतने लीन हो गए, हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। औपचारिक परिचय मात्र दिखावे के लिए यानी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह डॉक्टर मारिया नेजेशी थी। अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नेजेशी ने संस्कृत, लेटिन, प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत व हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उपाधि यानी पदवी, डिग्री हासिल की। तो डॉक्टर मारिया नेजेशी ने संस्कृत, लेटिन, प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान में एमए किया, साथ ही संस्कृत व हिंदी में उन्होंने पीएचडी करी। यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और इओतवोर्स लोरेंड यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नेजेशी, अकादमिक गतिविधियों से अर्थ है शैक्षणिक आचरण यानी एजुकेशनल एक्टिविटी के चलते, नेजेशी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन व हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वैसे हंगेरियन बुडापेस्ट की भाषा है। हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित नेजेशी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती है, उनका खुद का बचपन कैसा था, उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, जुड़ाव से अर्थ है लगाव, तो उनका हिंदी से लगाव कैसे हुआ, जैसे तमाम का अर्थ है सारे, तो ऐसे सारे सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिए। बिंदास का अर्थ है संकोच न करने वाला। तो उन्होंने खुलकर सबके जवाब दिए। क्या क्या सवाल पूछे उनसे, भारत की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, राजनीति और संस्कृति के बारे में बातचीत हुई। साथ ही उनसे पूछा कि उनका खुद का बचपन कैसा था और हिंदी से उनका जुड़ाव कैसे हुआ। तो इन सब बातों का उत्तर उन्होंने बहुत ही बिंदास अंदाज में दिया। अभी बच्चों आपके लिए एक सवाल है, मारिया नेजेशी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेकिन नेजेशी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है। परंपरा यानी हमारे जो रिवाज हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, बहुत ही समृद्ध हैं यानी संपन्न हैं। पर यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं कि उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यूं कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी। इस फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया। इस झूठ की जरूरत क्या थी, यूं ये उस धरती के साथ भी नाइंसाफी है। नाइंसाफी यानी उस धरती के साथ भी अन्याय किया है, जिसके हुस्न को, हुस्न का अर्थ है सौंदर्य या सुंदरता, तो उस धरती के सुंदरता या सौंदर्य को आपने कैमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया पर जगह दूसरी बता दी। तो ये बात मारिया नेजेशी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हमारे फिल्म निर्माताओं ने हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कहाँ करी, हंगरी में करी, बुडापेस्ट में, हंगरी के शहर बुडापेस्ट में, और जब फिल्म दिखाई तो उस फिल्म में उस शहर का नाम बताया इटली। तो इनको लग रहा है कि इस बात पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। नेजेशी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, यानी
लेखक के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा ये कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए, और इस बात के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गई। तब उन्होंने बताया कि हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है, पति पत्नी व बच्चे, बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं, कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार, एक इकाई यानी गिनती या संख्या, यानी वो हमारे भारत की तरह संयुक्त परिवार में नहीं रहते बल्कि माता पिता और बच्चे ऐसे एक एक परिवार रहता है। तकरीबन यानी लगभग 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था, दोनों ने दूसरा विवाह किया। तो ये सब बातें जेजेसी ने अपने बचपन की बताई। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है पर वह अकेले रहती हैं, मेरी मौसी 86 साल की हैं वह भी अकेली हैं, वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं। स्वायत्त का अर्थ है कि अपना काम स्वयं करना, तो दोनों आज भी बिना किसी सहायता के अपना खुद का काम करती हैं। मैंने भी शादी नहीं की, काम व शादी में एक को चुनना था, बच्चे पति व परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, समर्पित का अर्थ है भेंट, तो मैंने अपना पूरा जीवन हिंदी के लिए ही लगा दिया। दरअसल मेरी जिंदगी के शुरुआती 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते, मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालायित थी। लालायित का अर्थ है ललचाया हुआ, यानी मुझे भूख थी ये सब जानने की। क्या जानने की? कि इंसानी जीवन के शुरुआती दौर में क्या क्या हुआ था, कैसे इंसानी जीवन की शुरुआत हुई थी। इसलिए मैंने ग्रीक, लेटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी। उस दौरान हंगरी में केवल एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे। इतनी सारी भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि उनको इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने की भूख थी, इच्छा थी। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर, रुचि का अर्थ है शौक, तो मेरे इंटरेस्ट को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित का अर्थ है कि बढ़ावा देना। और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में, सिलसिले का अर्थ है संबंधित, तो पढ़ाई के संबंधित मैं पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी, यानी 10 महीने तक रुकी। एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चार दीवारी ही देखी हो, उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली। बदौलत का अर्थ है दया से, मेहरबानी से, तो हिंदी की मेहरबानी से मैंने पूरी दुनिया देख ली। आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। मेरे एक शिष्य इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच, तमाम का अर्थ है सारे, सारे जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक हंगरी की बात है तो मेरे समय में वहाँ न तो हिंदी भाषी लोग थे और न ही किताबें थी। डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की। आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई हैं। मैं बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ जिसे देखकर मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है। मारिया पहनती हैं बुडापेस्ट में ये सलवार कुर्ता, तो उसको देखकर उनके स्टूडेंट में भी ये इच्छा जगी कि उनको भी ये पसंद आया। कड़ाके की ठंड, कड़ाके का अर्थ है जोरदार ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है,
इसलिए साड़ी कम पहनते हैं। भारत की कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी? वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वह बोल पड़ी, यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं। मानवीय संबंध का अर्थ है मानसिक रिश्ते, यानी जो आपसी मेल जोल है, भाईचारा है, आपस में लोगों का जो प्यार है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं, ढेरों का अर्थ है बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर हैं जो सालों साल से बरकरार हैं। बरकरार का अर्थ है बनाए रखना, तो यानी आज भी वो जिंदा हैं, पिता भाई व दोस्त की तरह। यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। असगर वजाहत कौन है? हिंदी के लेखक हैं। ऐसे ही ये भी हिंदी के लेखक हैं, अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर व जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा। संपर्क यानी मेरा आदान प्रदान, कॉन्टेक्ट रहा इनके साथ। भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे पसंद है। यहाँ का कौन सा शहर व कौन सी फिल्में आपको पसंद है? नेजेशी का जवाब था, दिल्ली तो अपना शहर है इसलिए कुछ कहूँगी नहीं। मैं 7 साल बाद दिल्ली आई तो CNG का असर देखा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाती है। तो 7 साल के बाद जब मारिया यहाँ दिल्ली आई तो वो कह रही हैं कि मैंने CNG का असर यहाँ पर देखा है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है, हरियाली बढ़ी है। पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफ़ी पसंद हैं। सच कहूँ तो जहाँ भीड़ कम है, हवा ज़्यादा है, वे शहर मुझे पसंद हैं। तो इस तरह से मारिया ने अपनी पसंद बताई कि उनको कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं। रही फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुँचती हैं। वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं, 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फिल्म उमराव जान काफ़ी अच्छी लगी। नशीरुद्दीन शाह व शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की ज़रूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में जिंदगी का हिस्सा हैं, आप इनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? तो मुंह मोड़ना का अर्थ है बेरुखी करना या ध्यान न देना, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। धर्म और राजनीति के बारे में नेजेशी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक हैं। तार्किक का अर्थ है तर्कपूर्ण है, एक लॉजिक है उनकी बातों में। उनके मुताबिक, मुताबिक का अर्थ है अनुसार। तो मारिया के अनुसार, मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद व चर्च गई हूँ, पर मैं न इधर की हूँ न मैं उधर की। मैंने धर्म के नाम में काफ़ी कुछ पढ़ा है और मैं इसके हर रूप से परिचित हूँ। परिचित का अर्थ है जानकार। तो धर्म के हर रूप को मैं जानती हूँ, लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। रही राजनीति, तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, खबरिया चैनल यानी समाचार देने वाला चैनल, तो वो भी मैं देखती हूँ, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभावों से बच नहीं सकते। वहाँ पिछले 15 सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। तो राजनीति के बारे में मारिया के विचार कुछ ऐसे हैं, धर्म के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेजेशी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। अचरज यह है कि, अचरज का अर्थ है आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। असहजता का अर्थ है कठिनाई। उनका कहना था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, बहुराष्ट्रीय का अर्थ है कई देशों की यानी मल्टीपल नेशंस, तो कई देशों की कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की
सामान की खासियत, खासियत का अर्थ है विशेषता, और विविधता खत्म हो गई है, विविधता का अर्थ है कई तरह का। तो उनके कहने का अर्थ है कि सब जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि अब किसी भी जगह की सामान की कोई खासियत यानी स्पेशलिटी या उसकी वैरायटी जो थी वो अब खत्म हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा आगरे के पेठे, लखनऊ की चिकनकारी, तो इस तरह की चीज़ें की खासियत अब खत्म हो गई है क्योंकि ये सब सामान सब जगह उपलब्ध होने लगा है। हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय, एक जैसे शैम्पू, ये क्या है? ये ठीक है कि भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है। भूमंडलीकरण का अर्थ है देशों और लोगों के बीच व्यापार यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। पर लोग ये क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है? अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा, और हमने जो इस धरती को खराब किया है उसी का नतीजा क्या है? कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप, ये सब क्या है? कैटरीना तूफान का नाम है, सुनामी ये समुद्री तूफान है, विल्मा तूफान का नाम है, और भूकंप और भी न जाने क्या क्या, तो ये सब इसी का परिणाम है। मैं एक अनुभव से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। एक बार मैं सूरीनाम के घनघोर जंगलों, घनघोर का अर्थ है अत्यधिक घना, तो ऐसे जंगलों की तरफ गई जहाँ से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यानी नदी के द्वारा ही आप उसको पार कर सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके लिए हमने नाव पकड़ी, काफ़ी अंदर तक गए यानी उस इलाके तक गए जहाँ आबादी नहीं थी, आबादी का अर्थ है जनसंख्या, तो वहाँ तक गए जहाँ पर कोई नहीं था, बस्तियाँ, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, पर वहाँ भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली। तो ये प्लास्टिक की बोतल कहाँ से आई? ये हम जैसे लोगों ने ही उसको पानी में फेंक दिया था। तो मारिया का कहने का अर्थ था कि हम इस तरह अगर गंदगी फैलाते रहेंगे तो इन सब का भुगतान हमें ऐसे तूफानों के रूप में ही भुगतना पड़ेगा। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप हैं जहां प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो गए हैं। ये द्वीप समुद्र के बीचों बीच हैं जिससे इस प्लास्टिक को खाकर समुद्री जीव मर रहे हैं, तो जिससे समुद्री जीवन बर्बाद हो रहा है, तो इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। तो हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। पर्यावरण का अर्थ है एनवायरनमेंट यानी चारों ओर से घिरे हुए, तो जो जिस चीज़ों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आकाश, जमीन, पानी, हवा, तो इन सब चीज़ों पर क्या असर होगा? इन सब चीज़ों का हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने? क्या यही विश्व हमें मिलेगा? तो ये सारे सवाल मारिया नेजेसी के मन में उठ रहे हैं कि अगर हम इसी तरह पर्यावरण को खराब करते रहे तो आगे आने वाले समय में ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर हम आराम से जीवन यापन कर सकें। तो क्या हमने ऐसे विश्व की कल्पना की थी? और इस वार्ता को लिखा है जयप्रकाश पांडे ने। अभी बच्चों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है। मारिया को हिंदी सीखने में एक गणितज्ञ ने मदद की थी, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग दो में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।